हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर टॉपिक होल नंबर्स एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स का मतलब होगा कि जैसे दो होल नंबर्स का हम ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कैसा रिजल्ट मिलेगा, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए, प्रॉपर्टीज हम नॉर्मली अप्लाई कब करते हैं, एप्लीकेशन कब करते हैं, इसमें कि कैलकुलेशन को इजी करते हैं हम। वहाँ पर जो हमारी कैलकुलेशन दी हुई इसको हम इजी वे से कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज का भी यूज करेंगे और देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ये होल नंबर सेटिस्फाई करते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई नहीं करते। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होगी वो होगा क्लोजर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, तो पहले हम एडिशन देखते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी का इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है वो समझेंगे पहले, क्लोजर अंडर एडिशन। अब ये बताइए कि अगर दो होल नंबर्स को हम ऐड करेंगे, मान लीजिए वन और टू को हम ऐड करते हैं और हमें यहाँ पर कैसा नंबर मिलेगा, थ्री, और थ्री भी एक होल नंबर होगा। ऐसे ही हम फाइव प्लस सेवन करते हैं और एक और हमें अब इनको ऐड करेंगे तो कितना नंबर मिलेगा, ट्वेल्व, ये भी एक होल नंबर होगा। मतलब कि दो होल नंबर को ऐड करने से अगर हमें होल नंबर ही मिलेगा तो हम कहेंगे दैट होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो हम कह सकते हैं, सो ये बात ध्यान रखना है कि क्लोजर जो प्रॉपर्टी होगी कैसे होगी, कि दो होल नंबर्स को अगर ऐड करने से होल नंबर ही हमें मिलेगा तो हम कह सकते हैं सो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये जो प्रॉपर्टी है ये मैं एक और वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, वो इंटीजर्स के साथ हमने यूज वहाँ पे किया था, रैशनल नंबर्स के साथ में डिस्कस किया था वहाँ पे, तो वहाँ भी आप वो वीडियो देख सकते हैं, थोड़ा वो ज़्यादा समझ में आएगा। अब ये तो था क्लोजर अंडर एडिशन। ऐसे ही आपके पास और भी, ये देखिए कि कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, सब्ट्रैक्शन भी होता है, मल्टीप्लीकेशन भी होता है और डिवीजन भी होता है। सेकेंड जो आएगा क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे दो होल नंबर्स का और अगर हमारा रिजल्ट होल नंबर ही आएगा तो ये क्या होगा, हम लिख सकते हैं होल नंबर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। तो यहाँ पे देखते हैं, फोर माइनस टू इक्वल्स टू टू, तो ये तो होल नंबर आया, दोनों होल नंबर का माइनस किया टू आया, बट देखिए टू माइनस फोर अगर हम कर देंगे तो यहाँ पे माइनस टू आ जाएगा और माइनस टू होल नंबर नहीं होगा, तो यहाँ पे हम कह देंगे देख होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ऐसे ही आप कर करके देख लेंगे। एडिशन के लिए हमने कर लिया सब्ट्रैक्शन, एडिशन के लिए हमने कर लिया होगा क्लोज्ड अंडर एडिशन, और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या ये तो नहीं होगा। अब मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करेंगे हम, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में भी ये क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन होंगे होल नंबर्स। क्यों होंगे, देखिए थ्री इंटू टू सिक्स, कोई भी दो होल नंबर का मल्टीप्लाई कर लीजिए, अब कोई भी नंबर का हमें होल नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा, That whole numbers are closed under multiplication. Closed under multiplication. ठीक है, division के लिए अगर हम कहेंगे तो division अगर देखिए, मान लीजिए हम 2 और 1 का करते हैं या 1 by 2 करते हैं, 1 divided by 2, तो इसका result क्या होगा, 1 by 2, तो ये whole number नहीं होगा, तो यहाँ कह देंगे not closed under division. तो आप ये प्रॉपर्टीज आप सभी को पता होगी, समझ में आ गई होगी आई होप, कि क्लोजर प्रॉपर्टी को कैसे सेटिस्फाई करते हैं अगर दो नंबर्स के बीच में ऑपरेशन यहाँ पे करते हैं कुछ भी, और अगर होल नंबर ही मिलेगा तब तो वो ठीक है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी उसको सेटिस्फाई करता है, अदरवाइज वहाँ पे कह देंगे नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। तो फाइनल हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर होल नंबर्स, हमने ऊपर फाइंड आउट किया होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। तो चार जो हमारे ऑपरेशन होते हैं उनमें से एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए सेटिस्फाई करता है, अगर दो नंबर को ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें होल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने ये फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर कर ली। अब जो सेकेंड जो प्रॉपर्टी होगी वो हमारी होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है पहले ये समझिए आप। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मान लीजिए कोई दो होल नंबर है हमारे पास, ठीक है, होल नंबर मानी थ्री और टू है और इनको हम ऐड किए, ऐसे पहले थ्री लिया फिर उसके बाद टू,
तो इसका आएगा सम 5। क्या हम इनको जब इनका ऑर्डर हम चेंज कर देंगे, मतलब 3 को यहाँ पे ले आएंगे और 2 को यहाँ पे ले आएंगे, 2+3 कर देंगे तो भी क्या इसका सेम आएगा ये 5, तो भी इसका क्या सम इक्वल आएगा। अगर इक्वल आएगा तो हम कह सकते हैं दैट होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, क्योंकि हमने बीच में एडिशन किया है। अगर सब्ट्रैक्शन का केस होगा तो सब्ट्रैक्शन के केस में माने 3-2 कितना होगा 1, और 2-3 अगर कर दें, क्योंकि ये हमें वो करना है ना चेंज, इनकी पोजीशन चेंज करनी ऑर्डर, पहले हमने 3 पहले लिया था तो अब 2 पहले लेंगे, सो 2-3 कर दें तो -1 आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन के केस में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता, और एडिशन के केस में सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब दैट होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर कम्यूटेटिव फॉर एडिशन, ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन की अगर हम बात करेंगे तो मल्टीप्लाई करके देखिए कोई भी दो नंबर का, 3 × 7 = 21, 7 × 3 = 21 सेम आ रहा है, तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन के लिए भी क्या कहेंगे कि कम्यूटेटिव रहेंगे होल नंबर्स। डिवीजन का केस देख लीजिए, 3/6 यह आएगा 1/2, बट 6/3 कितना आएगा 2 आ जाएगा, तो ये इसमें नहीं होगा। तो यहाँ भी क्या होगा कि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए कम्यूटेटिव रहेंगे होल नंबर्स, ठीक है। देखिए वीडियो अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा एक बार रिमाइंड करके देख लेंगे, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज हम अभी कर रहे हैं ये सारी प्रॉपर्टीज 7th, 8th और हायर क्लासेज में भी ये आपकी यूज होती रहेंगी, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको, तो पूरी वीडियो देखेंगे लास्ट तक, ओके। सो कम्यूटेटिव में यहाँ पर हम लिखेंगे दैट होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए होगा हमने यहाँ पे देख लिया, क्योंकि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में यहाँ पे डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो हम इनको कह देंगे दैट दीज आर नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। हम आप बता सकते हैं अब कि होल नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस किस के लिए होगी, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिए होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी आपकी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी एसोसिएटिविटी, ठीक है, एसोसिएटिविटी फॉर होल नंबर्स। अब ये क्या प्रॉपर्टी होगी, देखिए ये 3 यहाँ पे होल नंबर्स पे अप्लाई होगी। 3 नंबर्स पे कैसे अप्लाई होगी, मान लीजिए हमारे पास 3, 5 और 7 है, इनका हमें ऐड करना है 3+5+7। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक बार तो हम क्या करेंगे कि 3 और 5 को एक साथ ले लेंगे, पहले ऐड कर लेंगे, या फिर हम दूसरी बार क्या करेंगे कि 5 और 7 को हम एक साथ ऐड करेंगे। तो देखिए, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि 3 और 7 को एक साथ ऐड कर सकते हैं, ऐसे हम कर सकते हैं। देखिए 3 और +5 करेंगे तो कितना आएगा, 8+7=15। यहाँ पे देखिए 3+7+5 करेंगे 15=15, मतलब इनको कैसे भी ऑर्डर में अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये आंसर सेम आएगा। तो एसोसिएटिविटी को अगर हम ए फॉर्म में लिखेंगे तो पहले हम ए प्लस बी को ग्रुप एक साथ करेंगे, इसके बाद बी और सी को एक साथ ग्रुप करेंगे, ग्रुप, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी किस लिए होती है कि हमारी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐड करना है 13, 17 और 12, ये आपके पास है, ठीक है। तो इसको आप कैसे करेंगे, देखिए ऐड करना है इन सभी को, इन सारे नंबर्स को, तो पहले अगर आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे, इन दोनों नंबर्स को, तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कैसे, मीन्स 13 और 17 को करेंगे ग्रुप एक साथ और उसके प्लस में कर देंगे 12, सो 13+17 will give us 30 + 12, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 42। इसको हम एक और भी तरीके से कर सकते, देखिए आपका जो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपका जो पूछा जाएगा इस प्रॉपर्टीज वो ऐसे आएगा, ऐड 3, 8 और 12 इन 2 डिफरेंट वेज, ठीक है। इनको हमें करना ऐड दो अलग अलग तरीके से, तो इनको दो अलग अलग तरीके से कैसे, जैसे यहाँ पे ये नंबर को हमने एक तो ये तरीके से ऐड किया 13 और 17 को एक साथ लिया, सेकेंड मेथड होगा 13+17 और 12 को एक साथ ले लेंगे। अब 13 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 29 और 29 प्लस 13 42, तो रिजल्ट आएगा सेम, बट देखिए मेथड डिफरेंट है, यहाँ पे ये है, यहाँ पर ये है, ठीक है। तो ऐसे हम कर लेंगे। अब यहाँ पे इस केस में जो हमने एग्जांपल लिया इसमें कैसे करेंगे, पहले
जो फर्स्ट जो मेथड होगा वो हम यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट मेथड 3+8 को एक साथ ग्रुप कर लीजिए तो उसका कितना आएगा 8+3 11+12=23। देन सेकंड मेथड, सेकंड क्या रहेगा 3+8+12, अब 8+12 को एक साथ ग्रुप कर लेंगे तो 3+20 आ जाएगा हमारा कितना 23। दोनों का रिजल्ट सेम है बट देखिए मेथड यहाँ पे दोनों डिफरेंट है। तो ऐसा आपका क्वेश्चन आएगा यहाँ से इस प्रॉपर्टी से। तो आप लोगों को समझ भी आ गया होगा कि ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी होगी। तो ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद देखिए ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है दैट राइट द एसोसिएटिविटी फॉर होल नंबर्स, तो ये आपको ये लिखना पड़ेगा ये सारा, ठीक है। ए प्लस बी आर ग्रुप टूगेदर इन लेफ्ट हैंड साइड एंड बी प्लस सी आर ग्रुप टूगेदर इन RSS, RSS means right hand side, okay? So, ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हुई। जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होगी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी ये सारा आप लोगों को नोट डाउन करना अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी फॉर होल नंबर्स, डिस्ट्रीब्यूटिविटी फॉर होल नंबर्स। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पे लिख देता हूँ पहले ही, a into b plus c equals to a into b plus a into c, ये होगी प्रॉपर्टी। मतलब a को अंदर b से मल्टीप्लाई कर दिया और ब्रैकेट ओपन होगा तब, और फिर a into b के फिर प्लस a into c के, ऐसे प्रॉपर्टी हमारी होगी। अब ये हमें यूज़ कैसे करनी है, देखिए ये हमें यूज़ कैसे करनी है, या फिर आप देख सकते हैं कि ये होल नंबर्स में कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, आइए देखते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है 12 into 25, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है 12 into 25, ये दिया हुआ बिना ब्रैकेट के। आपको इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए और यहाँ पे कह दिया कि यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू सोल दिस, ठीक है, यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू सोल 12 into 25। अब आप प्रॉपर्टी को कैसे वहाँ पे यूज करेंगे, तो आप आंसर में लिखेंगे कि 12 into 25। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई करने के लिए हमें तीन नंबर चाहिए बट हमारे पास दो हैं, इसका मतलब कि हमें ये जो सेकेंड पे जो नंबर है 25 इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा दो नंबर के सम के रूप में, सम के उसमें फॉर्म में। तो a इंटू यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन सेम रहेगा और a कौन सा रहेगा हमारा 12 into 25, को हम देखिए 20+5 लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी कैलकुलेशन इजी करने के लिए होगा, देखिए आपको अभी आगे पता चलेगा कैसे। 12 into 20+5 लिख दें हमने 25 को लिख सकते हैं ऐसे 20+5। इसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे था a इंटू बी, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 into 20, इनको मल्टीप्लाई किया फिर प्लस 12 into 5। यहाँ पे 12 को 20 का हम इजीली मल्टीप्लिकेशन कर सकते, क्यों, क्योंकि जीरो को अगर छोड़ देंगे हम एक बार तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 12 2 जार 24, और जीरो यहाँ पे पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 240। इस केस में क्या रहेगा 12 5s are 60, तो यहाँ पे हम इजीली ऐसे लिख देंगे 240+60 और इनको ऐड करके 300, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और ये प्रॉपर्टी कौन सी हमने यूज की यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर डायरेक्ट आप यहाँ पे सोल्व करते हो तो डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं इनका, ऐसे मल्टीप्लाई करते, और यहाँ पे प्रॉपर्टी से हम इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए, तो हम कह सकते हैं दैट दीज प्रॉपर्टीज आर यूज टू डू द कैलकुलेशंस इजी, टू मेक द कैलकुलेशंस इजी, ओके। सो ये था हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हम देखिए क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक और आइडेंटिटी आप लोगों को बता देता हूँ मैं, एक और प्रॉपर्टी होगी वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में एक तो एडिटिव आइडेंटिटी होगी और एक होगा मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब इनका मतलब क्या होगा वो समझिए पहले। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब हो जाएगा आपका, अगर कोई एडिटिव आइडेंटिटी कह रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी नंबर फॉर 5, तो आइडेंटिटी का मतलब होगा कि वो नंबर में कुछ ऐड ऐसा करेंगे कि वही नंबर रहेगा। तो किसी भी नंबर में अगर हम जीरो ऐड कर देंगे, कोई भी नंबर में अगर जीरो ऐड करेंगे तो
तो नंबर सेम रहेगा जीरो, सिक्स प्लस जीरो करेंगे तो सिक्स रहेगा, तो जो एडिटिव आइडेंटिटी हम किसको कहेंगे, जीरो को, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में भी वही रहेगा कि अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई हमें करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अगर कोई भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करते तो वो नंबर सेम रहेगा, वही नंबर, ठीक है। 165 को अगर 165 ही रखना है तो वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके लिए एक क्वेश्चन दे दिया 312 इंटू यहाँ फिर इन द ब्लैंक और यहाँ 312, तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे, मतलब वन से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो रिजल्ट हमारा सेम रहेगा 312, ओके। सो इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे वन कर देंगे फिल इन द ब्लैंक में, हम इजीली ऐसे क्वेश्चंस इजीली कर लेंगे। आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होगा, कि हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि नंबर सेम रहेगा। एडिटिव आइडेंटिटी में हमें ऐसा नंबर ऐड करना है कि नंबर सेम रहेगा। आइडेंटिटी का मतलब सेम टू सेम वही नंबर रहेगा, ठीक है ना। तो ये हुई आपकी सारी प्रॉपर्टीज़। अब इन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे आइए डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, फाइंड द सम बाय सूटेबल अरेंजमेंट। और यहाँ पे अरेंजमेंट के लिए कुछ नंबर दिए आपको, 837 प्लस 208 प्लस 363। अब देखिए अरेंजमेंट का मतलब होगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करेंगे। एसोसिएटिव का मतलब देखो क्या होता है, एसोसिएटिव का मतलब एसोसिएट से ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। एसोसिएट का मतलब होगा कोई दो नंबर को जोड़ना, मतलब हम यहाँ पे कोई दो नंबर को एक साथ ग्रुप करेंगे, एक साथ जोड़ेंगे, एक साथ लेके आएंगे, तो ऐसे दो नंबर को जोड़ेंगे कि लास्ट में उससे ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बन सके, ताकि हमें कैलकुलेशन में इजी हो सकेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 7 लास्ट में, यहाँ है 3, अगर इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो लास्ट में जीरो आएगा हमारा। तो इन दोनों नंबर्स को हम यहाँ पे एक साथ ग्रुप कर लेंगे, सो 208 को यहाँ लिख लेंगे और 837 प्लस 363 को एक साथ ग्रुप कर लेंगे। ये हमारी यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की, एक तो कम्यूटेटिव का मतलब कि नंबर्स को हम कोई भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, इसलिए हमने 208 को पहले ले लिया, ये दोनों नंबर बाद में। तो यहाँ पे हम कहेंगे यूजिंग कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यूज करी ना हमने। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, ये जो हमने दो नंबर्स को एक साथ ग्रुप किया। यहाँ पे देखिए इस प्रॉपर्टी को आप इजीली यहाँ पे देख सकते हैं, रटना नहीं है। एसोसिएट का मतलब है कोई दो नंबर को जोड़ना एक साथ, और एक साथ जोड़ने का मतलब हमने देखिए एक साथ लिया ये दोनों नंबर को, तो ये होगा हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप इजीली इसको क्या करेंगे, ऐड कर लीजिए यहाँ पे 837 प्लस 363, 7 प्लस 3 0 आगे रहेगा 1 कैरी, फिर 3 प्लस 6 9 प्लस 1 0, फिर 0 हो गया मतलब 1 बचेगा 1, 8 प्लस 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा 8 प्लस 1 9 प्लस 3 12। यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे ऐड करके और यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब 1200 और 208 को हम सिंपल यहाँ पे एडिशन करके यहाँ लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो यूज करी, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आप इजीली ऐसे कर लेंगे। ये तो था देखिए एसोसिएटिव अंडर एडिशन के केस में। अगर ये एडिशन है ना यहाँ पे, अब मल्टीप्लीकेशन का भी आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कैसा आएगा मल्टीप्लीकेशन के लिए, यहाँ आपको नंबर दे दिया जाएगा 2 इंटू 1768 इंटू 50, तो यहाँ भी हमें दो नंबर को एक साथ ग्रुप करना पड़ेगा और 1768 को पहले लिख लेंगे इंटू 2 इंटू 50। देखिए हमें ऐसे नंबर्स को एक साथ लेके आना है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बन सके, और इससे कैलकुलेशन भी इजी होती है। देखिए क्यों, अगर हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो तो पहले 1768 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो काफ़ी सारी मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी हमें। बट यहाँ पे देखिए ये यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी, तो उससे क्या होगा, अब ऐसे लिख दे तो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है। देखिए 1768 को पहले ले आए तो हमने कम्यूटेटिव, मतलब इनका ऑर्डर चेंज किया है, तो कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज़ की और एसोसिएटिव यूज़ करिए। एसोसिएटिव क्यों यूज़ करिए, देखिए क्योंकि ये प्रॉपर्टी इन दोनों नंबर्स को एक साथ लेके आए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, यूजिंग
कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे 1768 और 2 × 50 आ जाएगा 100। अब 100 को इससे इजीली मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 1768 और 00, ये आंसर आ गया आपका। कोई भी ना मल्टीप्लीकेशन है आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे कर लेंगे एक। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का कैसे होगा, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। अब वहाँ पे सूटेबल भी कह सकता है आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव ना कह के सूटेबल प्रॉपर्टीज कहेगा, और आपको वहाँ पे दे दिया जाएगा 854 × 102, ठीक है, 102 दे देगा। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम, कैसे 854 × जो 102 है इसको हम लिख लेंगे 100 + 2। अगर इस नंबर को डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबा हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो इसलिए हमने ये प्रॉपर्टी यूज करी। और यहाँ पे हम लिख देंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए इस प्रॉपर्टी को भी रटने की आपको जरूरत नहीं बिल्कुल भी। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, बांटना। एक नंबर को दो हिस्से में बांट दिया हमने, देखिए 102 को 100 और 2 में, तो इसका मतलब आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब एक नंबर को दो नंबर में बांट देना। तो यहाँ पे हमने दो नंबर बांट दिया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 854 × 100 + 854 × 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे 100 का करेंगे तो 85004 00, सिंपल आगे दो जीरो लगा देंगे। यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट, अगर मल्टीप्लाई आप नहीं कर पाते तो यहाँ पे आप ऐसे करके कर लेंगे, ठीक है। तो 4 × 2 = 8, देन 2 × 5 = 10, 1 × 2 = 16 + 1 = 17। अब इसको ऐड कर लेंगे, देखिए 854 00 1408, ऐड करिए कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 87108, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में है, ये सारे आपको होमवर्क करना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और सारी प्रॉपर्टीज़ को भी अच्छे से आप रिवाइज़ कर लेंगे, इसके जो बेस सारे क्वेश्चंस हैं वो आप कर लेंगे प्रैक्टिस। सो नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का जो हमारा पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू, टेक केयर एंड स्टे होम स्टे सेफ़।